प्रदेश की योगी सरकार बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए लगातार रोजगार मेले आयोजित कर रही है। इसी कड़ी में शनिवार को कांठरोड स्थित आईटीआई कौशल विकास और सेवायोजन विभाग के सामूहिक तत्वाधान में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान परिसर में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस रोजगार मेले में 85 अभ्यर्थियों का विभिन्न निजी कंपनियों में चयन हुआ है। बता दें कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मुरादाबाद में जनपद स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले में हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, कौशल विकास मिशन के प्रशिक्षण प्राप्त और आईटीआई कर चुके युवा पहुंचे। इस मेले में कुल 195 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें से कुल 85 युवाओं को शॉर्टलिस्ट कर नियुक्ति पत्र दिया गया। छात्र छात्राओं ने बताया कि उन्हें आज रोजगार मेले के आयोजन की सूचना मिली थी, इसलिए वे यहां पहुंचे हैं। वे पिछले 3-4 महीने से जॉब की तैयारी कर रहे थे, अब उन्हें जॉब मिल गई है, जिससे वे काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण वे पिछले कुछ महीनों से जॉब खोज रहे थे, आज रोजगार मेले में उन्हें अपनी मनपसंद नौकरी मिल गई है। राजकीय आईटीआई कॉलेज के रोजगार मेला प्रभारी अजय कुमार प्रजापति ने बताया कि शनिवार को रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इसमें पूरे जनपद से सरकारी अधिष्ठानों के साथ ही प्राइवेट सेक्टर से सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की 15 कंपनियों ने हिस्सा लिया था। उन्होंने बताया कि रोजगार मेले जैसे मंच से युवाओं को अपनी मनपसंद जॉब पाने का अवसर मिलता है। भविष्य में इस तरह के और भी मेले आयोजित किए जाएंगे। लगभग हमारे पास में 16 कंपनियां आनी थी, जिसमें से हमारे पास 12 कंपनियां प्रतिभाग कर रही हैं, और जितने भी आईटीआई पास हैं और कोई भी एजुकेशन के बच्चे हैं, अगर बीटेक भी है तो वो भी हमारी जो आईवी कंपनी है उसमें साक्षात्कार दे सकता है, और किसी भी ब्रांच से अगर उसने ग्रेजुएशन कर रखा है तो वो भी प्रतिभाग कर सकता है। और हमारे पास में आज राजकीय आईटीआई मुरादाबाद में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आई हुई हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आज रोजगार मिलेगा। और हम धन्यवाद देते हैं शासन का, प्रशासन का, जिनके सहयोग से ये हर महीने जो हमारा 21 तारीख को प्लेसमेंट डे के रूप में जो रोजगार मेला आयोजित होता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को नौकरी देता है, बेरोजगारों को नौकरी देता है। अब बच्चों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश की जाती है, और बच्चों से उम्मीद की जाती है कि वो उनका जिस भी कंपनी में इंटरव्यू हुआ है, जिस भी कंपनी में वो इंटरव्यू दे रहे हैं, वो वहाँ जाएं और वहाँ अपना रोजगार करें, अपना कैरियर बनाएं, जिससे कि वो अपने परिवार और अपने देश और अपने शहर का नाम रोशन करें। कितने एक दिवसीय मेला है? एक दिवसीय मेला है। अच्छा, हर महीने की 21 तारीख हर महीने की 21 तारीख को प्लेसमेंट डे और 30 तारीख को अप्रेंटिस मेला का आयोजन किया जाता है। रोजगार मेले में आईटीआई पास, डिप्लोमा पास, बीटेक और किसी भी योग्यता के बच्चे जो हैं वो प्रतिभाग कर सकते हैं।